हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी हम आए थे खाना खाने के लिए। खाना हो चुका है। अभी टाइम कितना हो गया? 11 बज गए ना? हाँ जी, 11 बज गए। इस होटल में बढ़िया यहाँ पे रिसेप्शन में, आपने खैर कल वाले व्लॉग में भी देखा होगा, बफे सिस्टम होता है। हम खाते हैं जैन फूड, तो स्पेशल अरेंज हो जाता है। तो हम चलते हैं, नहा धो के निकलना भी अपने को, ठीक है? दूध वाले खेल लेंगे। पूरी के लिए तो नहीं बोला मुझे ना, हमने तो नहीं बोला था पूरी के लिए। हम तो खाली हुआ जितनी एक्चुअली काफ़ी सामान था। पूरी थी, आलू की सब्जी थी, पोहा था, भटूरे थे, और वो क्या होता है, डोसा था, काफ़ी कुछ था। अपना बन जाता है बढ़िया, बहुत बढ़िया होटल है दाबदू। ये देखो बाहर का मौसम सेम ही है कल की तरह, और हम हो गए हैं रेडी, बस निकल रहे हैं। यार मैं ना पोनी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फिर ना साइड के बाल ऐसे निकल जाते हैं ना गंदे तरीके से। अभी इतने लंबे बाल नहीं है ना, सिंह मंजल साइडों से अभी इतने लंबे बाल नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो चलो निकलते हैं, अभी लोकल एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमें एक मेजर साहब मिले थे, हम खाना खाते नीचे, तो उन्होंने बोला कि भाई आगे पीछे सारा बंद पड़ा है, बर्फ़ पड़ चुकी है, बस यहीं पर बर्फ़ नहीं पड़ी है, आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते आगे। और मनाली का रास्ता तो अब खुलेगा अप्रैल में, सोचो कि हम फंस रखे हैं बिल्कुल। और पीछे भी नहीं जा सकते, पीछे भी जोजला भी भाई पूरा का पूरा बंद हो गया। चलो अब देखते हैं क्या होता है यार, भगवान की ओर। लेकिन यहाँ पे कैसे यार, इतनी धूप यहाँ पे कैसे है, यही समझ आ रही बस मेरे को यार। इतने दिनों से निकले थे हलवा खाने, मुँह ही जल गया। पता क्या होता है यार, इंसान को जब ना इतना दूर ट्रैवल करते करते गाड़ी में आए ना कि चलो कुछ दिखेगा, आँखों को जब सुकून नहीं मिलता ना, यही बंजर पहाड़ दिखते तो यार बहुत दुख होता है। सेम बहुत दुख हो रहा है, बहुत गंदा फील हो रहा है मेरे को कि मैं क्यों आया। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, बट फिलहाल लोकल एक्सप्लोर कर लेते हैं लोकल, और घूम लेते हैं मार्केट वगैरह। चलो मार्केट में भी गए थे, सब बंद पड़ा था, ऐसे मैंने बताया ना आपको, ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ 6:30 बजे सब घरों के अंदर, क्योंकि -10-11 टेम्परेचर था, लेकिन बर्फ़ फिर भी नहीं पड़ी थी। चलो फिलहाल निकलते हैं भाई, रेडी हो चुके हैं। वाह ले, हम आ गए हैं बाहर, अब चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए लेक को। मुझे एक बात नहीं समझ आती, इतनी धूप पड़ रही है और टेम्परेचर पता कितना है, -11, ठंड लग रही है, बुरा हाल। जिस रोड पे हम चढ़ के आए हैं, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे एक टेंपल है बहुत प्यारा वो वाला, और ये डॉगी मेरे पास पता नहीं क्यों आ रहा है, काट कूटना ले, पता नहीं मेरे को ही देख रहा है ये काट कूटना ले। तो चलो भाई चलते हैं, अब मेरे पास नहीं आना, मंदिर में ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये क्या है। और यहाँ पे देखो धूप है, चाहे बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन ठंड बहुत है। किसी ने हमें बताया था कि आपको बहुत चलना पड़ेगा मंदिर के लिए, तो देखते हैं कितना चलना पड़ेगा। जो लोकल्स हैं उन्होंने बताया ज़्यादा पानी पी के रखना। देखो हम वहाँ से आए हैं नीचे, अभी हम पहुँच गए शांति स्तूपा टेंपल। ये टेंपल के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, और वो रहा टेंपल, ये बुद्धा जी का टेंपल है। बड़ी भाई शिट, अंदर भी बर्फ ना जमी पड़ी है अंदर। ओ रहा पानी, ओ भाई ये देखो ना, ये देखो बर्फ जमी पड़ी है पूरी, ओह अंदर पूरी बर्फ है, बर्फ जमी पड़ी है पूरी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नो स्मोकिंग, यहाँ सिगरेट पीना मना है भाई, जो पिएगा वो तो ख़त्म है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे देखना जिसने पी ली सांस क्या लेगा वो। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर यहाँ पे स्नो हो जाती तो जन्नत नहीं थी ये जगह, ठंड बहुत है। वो वाली जगह देखो जो खाली है भाई, बहुत जन्नत थी अगर स्नो पड़ जाती तो। ये टेंपल, यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते बिल्कुल भी, यहाँ तो खैर ले में तो आप कहीं भी नहीं ड्रोन उड़ा सकते। देखो भाई हम इतनी हाइट पे हैं, अभी दो गाड़ियाँ खड़ी, अपनी बोली लगी हुई है, लिखा हुआ है यहाँ पे गो क्लॉक वाइज, हर जगह पे नो स्मोकिंग का टैग लगा रखा है। ठंड सच में बहुत ज़्यादा है, आज धूप का ही सहारा है, सूर्यदेव ऐसे ही रहना बहुत अच्छा है यार, देखना इतना बढ़िया लग रहा है। चलो अगर स्नो नहीं भी है तो भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ये मेन टेम्पल है, यहाँ से ऊपर जाना है, शूज़ उतारने हैं,
ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है शांति स्तूपा के बारे में। 3609 11,841 फीट ऊंचाई पे है। तो चलो अब हम चलते हैं ऊपर। शूट यहीं पे क्या करते हैं। सॉक्स तो में भी अलाउड होनी चाहिए, सॉक्स तो अलाउड होगी। चलो भाई चलते हैं। सामने कुछ ऐसा है। अब सारी जगह बुद्धा जी की मूर्त बना रखी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पैर ना बर्फ में फ्रीज हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। बहुत शांति वाली लग रही है। अब आए म्यूजिक में, चलो इनसे। वाओ यार, यहाँ से बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। ब्लू आसमान और बुद्धा जी, वाओ। और मैं यहाँ बैठा हूँ, शांति वाली जगह है यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बस ठंड ने जान निकाली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी शूज़ पहन लिए मैंने, मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ टाइम बैठूंगा उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। थोड़ी देर बैठना बनता है भाई यहाँ पे। अब हम निकल रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो मैं बस आधा घंटा बैठा हूँ। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत हाइट पे आ गए हैं। देखो बस मुझे इतना पता लग गया कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है यहाँ पे, पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी का इंटेक कम हुआ ना भाई, फिर गड़बड़ होती है शरीर के साथ, फिर थोड़े अधूरे सांस आते हैं। पानी के साथ पूरा रहता है, खाओ कम पानी ज़्यादा पियो, और खाना तकरीबन 3-4 बजे तक निपटा लो, उसके बाद पानी के सहारे ही जिंदा रहो। बुद्धा जी के टेंपल से ना ज़्यादातर शांति होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये भी मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई मुझे टोक ना दे कि भाई शांत। ये बहुत लैंग्वेज का बैरियर है, आता नहीं है माता जी को, लैंग्वेज नहीं आता बिल्कुल भी। इन माता जी के अलावा यहाँ पे कोई था भी नहीं जिससे मैं बात कर लूँ, और थोड़े ओल्ड होने के कारण इनको लैंग्वेज बैरियर आ ही जाता है। थोड़ा यंग बंदा होता ना, मैं समझा लेता, बात कर लेता यार कुछ हो। मुझे सच में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अब जाने का रास्ता वहाँ से है, मियाँ आपसे इसी रोड से आ जाएंगे। और हमारा सच में कोई प्लान ट्रिप नहीं होता है, बस ऐसे निकल जाते हैं। बस प्यार देते रहा करो यार वीडियो को, मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो। तो चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, लेह में, पूरी लेह में कहीं भी ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। ड्रोन में लेके आया हूँ, जहाँ अलाउड होगा वहाँ पे आपको शॉट दूंगा। एक बार हमने स्टार्टिंग में ड्रोन उड़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो हाई बटन पे डाल दूंगा मैं वीडियो, आप वो देख लेना। उस साइड स्नो है, उसके उस साइड पहाड़ के इस साइड है ही नहीं। देखो भाई हम वहाँ से आए हैं जहाँ से ट्रक आ रहा है, पहले हम वहाँ पे रुके थे, वो जहाँ पे लोड ऑल्टो रुकी हुई है, क्योंकि बीच बीच में यार पत्थर हैं तो काम चल रहा है बीच बीच, तो हमें रुक के जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा हमें ज़्यादा मिल गया पत्थर, रोड पे पूरे पत्थर ही हैं। वो अगर आपको दिख रहा होगा ध्यान से, वो एक ट्रक लगा हुआ हटाने के लिए, और यहाँ से पूरा यहाँ पे काफ़ी देर से हम रुके हुए हैं, आधा घंटा हो गया तकरीबन। रोड बन रही है अभी यहाँ से,
और पूरे के पूरे रास्ते हम मिट्टी झाड़ते हुए आए हैं, आगे से लेके पीछे तक, बीच बीच में थोड़ी दूर अभी दो गाड़ियाँ और लगी हुई हैं, टैक्सी हमारे आगे। पहले हम वहाँ पे रुके थे, वो देखो वो जहाँ पे वो रुके हुए हैं, अब हम यहाँ पे रुके। तीन स्टॉप लिए हमने आगे से आगे तक, देखते हैं वो टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। आप ये देख रहे हो ये जो सारा हटेगा ना, ये जितना भी मिट्टी का ये है पर्वत का मलबा, तब वो वाली गाड़ी निकलेंगी, वो फिर हमारी गाड़ी निकलेंगी। उसको हटने में कम से कम एक घंटा लग जाएगा अभी। और पीछे भी हम दो जगह रुके थे, वहाँ पे तो 10-10 मिनट में निकल गए। और ये देखो रिवर सारी की सारी ना बर्फ से जमी हुई है। देखो भाई यहाँ पे वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या वापस जा सकते हैं। अगर और एक दो घंटे में नहीं खुला तो वापस ही जाना पड़ेगा। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, वेट नहीं हो रहा ज़्यादा, दो घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी, तो निकलते हैं यार अभी आगे। यार बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आपने देखा ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, दो गाड़ियाँ तो वापस भी चली गई क्योंकि उन्होंने बोला कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। जो क्रेन है ऊपर से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो ऊपर से मलबा फेंकी जा रही है, पत्थर वो नीचे वाला ट्रक हटाने में लगा हुआ है, उसने ही टाइम लगा दिया काफ़ी सारा। हमें खड़े खड़े 1-1.25 घंटा हो गया, हमने कहा और ज़्यादा खड़े हैं ना यार, जो नीचे का व्यू है वो सारा कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर हम ऊपर चले गए, अभी हमारा रास्ता ऊपर जाने का 1.5-2 घंटे का, ठीक है, ऊपर चले गए खारदुंगला में, उसके बाद वापस भी आना है रात को, रात हो जाएगी अभी यहाँ पे 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है और कोहरा भी पड़ जाएगा। अगर हमें इस रास्ते से वापस भी आना पड़ेगा तो ये भी यार रिस्क से खाली नहीं है, तो इसलिए ये रास्ता हम अवॉइड ही कर रहे हैं। हम बस अब जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, दिन में नीचे तक पहुंच जाएंगे। ये ट्रिप ऐसे लगाओ कि ठीक है यार, ऑलमोस्ट 50-50 रहा, ज़्यादा इन्जॉयबल नहीं रहा, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल निकलते हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऊपर फिर कभी चलेंगे, अगर हमें यार अगर नेक्स्ट ट्रिप लगा तो फिर कभी आ जाएंगे आगे, क्योंकि एक हम इसको क्रॉस कर भी लेते हैं लेकिन आगे एक और सेम वैसे ही भाई साहब लगे हुए हैं कुरेदने के लिए, रोड बनाने के लिए। तो चलो चलते हैं भाई। वापसी के रास्ते में एक चीज़ है जो हमने बिल्कुल नहीं घुमाई, मैं अभी जाता हूँ घुमाने के लिए, आप देखना ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। बेल। चलो भाई अब निकलते हैं। तो भाई अभी हम वापसी के रास्ते में पहुंच चुके हैं लेह की मार्केट में, सारी बंद पड़ी है, ऑफ सीजन की वजह से हो सकता है या पता नहीं ठंड की वजह से। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई लव लेह। स्पीतो गुस्तो कोई आप लोगों का फेस्टिवल चल रहा है इसीलिए ये मार्केट बंद पड़ी है, मेरे को लगा सीजन ऑफ चल रहा है इसलिए। नहीं 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 ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम? मेरे को तो बोलना भी नहीं आया मुझे तो। टशी वंगल जी, भाई का नाम टशी वंगल जी है। चलो भाई ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। इनका फेस्टिवल है भाई इसीलिए थोड़ा वो है, मेरे को तो नाम ही भूल गया भाई का, क्या टशी वंगड़ी, मेरे को तो एक ही नाम याद है, वुंगसुक वांगडू, बस एक ही नाम याद है भाई। मतलब सारी बंद पड़ी है मार्केट क्योंकि इनका फेस्टिवल चल रहा है। में पहुंच गए थे, खाना पीना खा के अभी छोटे से बर्गर ही खाए हैं, पेट फुल हो गया, अब ज़्यादा नहीं रात को खाना, बस अब हम चलते हैं मार्केट में कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं क्योंकि ऑल तो सब कुछ बंद हो गया, आज इनका फंक्शन भी है इसलिए कुछ मार्केट भी बंद पड़ी है, लेकिन थोड़ी जो खुली हुई है ना उधर चलते हैं, इस साइड ही है वो। तो इनको बोला है टैक्सी में चलना है वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन भाई काय का कॉम्प्लीमेंट्री करे, आने का टिकट लेना देना पड़ेगा भैया, आने के पैसे देने पड़ेंगे हमें, इकट्ठा ही बता दो भाई, अगर पैसे लेने हैं तो इकट्ठे बता दो, जाने का क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, कह रहे भाई आने का भी होगा, मतलब आने के पैसे लेंगे, जाने तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में। और एक और आपको ज़रूरी न्यूज़ मैंने आपको देनी है, मैं आने के बाद देता हूँ आपको, जैसे मार्केट जाता हूँ मार्केट से आने के बाद ही देता हूँ, और हम कल चले जाएंगे, कल चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, आके बताऊँगा सारी की सारी बात, क्या हुआ है, क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है। अड़ी अपनी रेडी है, चलो आ जाओ भाई, ये रही भाई, चलो जवानो आ गई होटल की गाड़ी। यार इस टाइम ऐसा लग जाता है जैसे ना कर्फ्यू लगा होता है यहाँ पे,
यहाँ भैया चले जाते हैं घर पे ना बंदे अपने अपने टाइम पे, सब अच्छे ही हुए हैं अभी। होटल है ये होटल है ना, सर्दियों में हाँ निकलते नहीं है लोग ज्यादा बाहर। देखते हैं भाई मार्केट अगर खुली होगी तो चलते हैं शॉपिंग करेंगे। अभी हम आए हैं एक बैग लेने के लिए, अगर मिलता है तो ये रहा बैग यहाँ पे, मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूँ इसको नीचे रख लूँ। यार हमारे पास बैग है नहीं, अभी एक बैग लेने आए, देखो ना कितने बड़े बड़े बैग हैं। और आंटी कह रही है, आंटी की शॉप है, कह रही है इससे भी बड़े बड़े बैग मिल जाएंगे। ये सारी मार्केट है भाई, लेकिन बंद पड़ी है। टाइम देखो, ओहो टाइम दिखा भाई, आ लो चक्को, सब अच्छे हो रहे हैं, बंद पड़ी है सारी मार्केट। ओहो मेरे दोस्त आ गए, मेरे दोस्त, हेलो बाय बाय बाय, डांस डांस डांस। अभी मूड नहीं है। जय हिंद 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 जय हिंद। डांस 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 अभी अभी भाई मूड नहीं है। वाओ वाओ ओए ओए बहुत बढ़िया कर गया, वाओ वेरी गुड। अच्छा आपका नाम क्या है? अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या है? तेंजिन डिकी। तेंजिन तेंजिन डिकी। एंड आपका? तेंजिन फुसांग। तेंजिन फुसांग। तेंजिन डिकी। वाओ अब मेरे को बाहर जाते भूल जाऊंगा मैं, मुझे पता है। वाओ चलो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वाओ भाई बढ़िया यार, भाई मैं ये ले रहा हूँ काइसन लागन है, बढ़िया भैया आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा हूँ? पयप्पो सही लग रहा है और अच्छा लग रहा हूँ, पयप्पो अच्छा लग रहा है, पयप्पो कैसा लग रहा हूँ भाई, पयप्पो। वो ये कंबल भाई, ये कंबल नहीं लग रहा यार, ये भाई साहब ये तो बब्बर शेट सो रहा है भाई, बब्बर शेट सो रहा है भाई, सही लग रहा हूँ कातिया, डुप्लीकेट बाल आ गए कातिया। बाय बाय जय हिंद। चलो बाय बाय बट यार कुछ भी बोलो, ये कैप मेरे को बहुत ज़बरदस्त लग रही है, अच्छी लग रही है भाई। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत प्यारी दुकानें हैं, और ये यहाँ के लोग भाई इतने प्यारे हैं, मतलब एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेते, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़, मेरी सबसे सही लगी। डल लकी बेल आंटी की शॉप है यहाँ, बढ़िया ये छोटी छोटी बेल हैं लकी बेल। ठीक है आंटी जी, थैंक यू बहुत अच्छे। चलो भाई अपनी गाड़ी आ गई थी, चलते हैं। आज भाई लास्ट दिन है, खेल रहे हैं, पूल नहीं खेलेंगे आज, आज स्नूकर खेलेंगे, दही शॉट मारेंगे, चलते हैं खेलने। चेस नहीं खेली, दिल था खेलने बट खेल नहीं पाए, ये खेलेंगे भाई आज स्नूकर, आज भाई का शॉट देगा तुम यार। बट बड़ी जबरदस्त गेम है, अगर एक बार दिल आ जाए ना इस गेम पे, मैं कह रहा हूँ पूरा दिन इस पे लगा सकते। भाई आज भी देखो 10 बज गए, कब एडिटिंग करेंगे इसका, तो भाई गेम की तलब ही मारी है। तो अभी बस खाली रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए हैं होटल, अभी जा रहे हैं अपने लिफ्ट में और पहुंच के रूम में बात करते हैं। तो लो जी हम पहुंच गए हैं रूम में अपने। तो भाई बात ऐसी है, हम आज गए थे तो आज हमें पता लगा मेजर है, उन्होंने हमें बताया, जो BRO में लगे हुए हैं मेजर, जो रूट्स वगैरह का सारा काम करते हैं उधर, उन्होंने हमें सारा रूट्स समझाया। आज आए हुए थे यहाँ पे, जब हम खाना खाने बैठे तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो आप जा रहे हो ना जिस रोड पे, अगर मनाली की तरफ जाओगे तो वो खुलेगा अप्रैल में, अभी तक बिल्कुल फ्रीजिंग मोड है, उधर आपको देखने के लिए मिल सकती है बर्फ़, लेकिन यार
अब देखा जाए तो अगर वहां पे जाएंगे तो हम फिर फंस जाएंगे, वहां पे बर्फ ही बहुत ज्यादा है, हम मनाली से निकल नहीं सकते। इस रूट से हम आए थे जोजिला पास के पास से, जहां से ये कारगिल वगैरह की रोड निकलती है, वो भी सारी बंद पड़ी है। जोजिला में बर्फ पड़ गई है, वो भी बंद पड़ी है। अब वो पता नहीं हफ्ते में साफ हो या कुछ भी हो, ये नहीं पता। तो एक तरह से देखा जाए हम फंस चुके हैं यहाँ पे, जहां जहां से हम आ रहे हैं वहां पे बर्फ नहीं पड़ी, तो बहुत ही निराशाजनक बात है ये, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो भाई जुगाड़ हमने ये किया कि भैया ने किसी ना किसी तरह हिम्मत करके कहीं भी फोन घुमाए, तो किसी के पास गाड़ी रखवा दी कि आप गाड़ी रखो और हम निकलेंगे फ्लाइट से, और जैसे ही रोड खुलेंगे तो वो बंदा गाड़ी देने के लिए आ जाएगा, उनका जो ड्राइवर है वो गाड़ी देने के लिए आ जाएगा। और होटल में भी ऐसे रख नहीं सकते थे हम, एयरपोर्ट पे भी नहीं खड़ी कर सकते ऐसे, क्योंकि ये यहाँ पे सारा मिलिट्री का एयरपोर्ट है, मिलिट्री के अंदर आता है सारा कुछ। तो इसलिए कोई नॉन निकल गए भैया के, मतलब बातचीत की इधर उधर, तो नॉन निकल गए थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने ड्राइवर के थ्रू भिजवा देंगे वो गाड़ी जब भी बर्फ फटेगी। तो यार सही है, हम फंस चुके हैं, ना हम कहीं घूमने जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो यार ऑफ सीजन है, प्लीज़ अभी मैं आपको बोलूँगा, गलती से सीख ले लेना मेरी, मत आना अभी। और यार इतना पॉल्यूशन हो गया ना लेह में, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। नीचे हम रिसेप्शन में बात कर रहे थे, वो खुद बोल रहे थे, कह रहे सर आज से जो 10 साल पहले काम होता था ना, वो अब नहीं रहा है। अब वो पॉल्यूशन ही इतना हो गया और पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है यहाँ की। आज भी मैंने देखा यार, एक तो बंजर पहाड़ है सामने और उसके बाद पॉल्यूशन इतना सर घूम जाता है यार बिल्कुल। तो अब बस हम कल निकलते हैं, कल हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, तो हम निकलेंगे सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़। यहाँ से मुश्किल 50-55 मिनट की फ़्लाइट है, तो वही जो मिलिट्री वाला एयरपोर्ट है वहीं से फ्लाइट, वहीं से टेक ऑफ होगी और चंडीगढ़ में लैंड हो जाएगी। तो मिलते हैं कल चंडीगढ़ में। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, बचा नहीं है कुछ करने के लिए, क्योंकि अगर हम मार्केट भी जाएंगे तो वो भी आज बस हो गया, जितना मार्केट का काम था वो भी हो गया, ऑलमोस्ट मार्केट बंद थी। और आज हमने जाना था खारदुंगला, खारदुंगला पे भी आप देखो रोड्स बनी रही हैं सारी की सारी। हम 1.5 घंटा खड़े हुए, उसके बाद वापस आ गए। उन्होंने कहा क्यों यार, उसके आगे जाना था हमने, उसके बाद आने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ये थी, अंधेरा हो जाता है, फिर रोड जो बन रही है ना वो दिखती नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी, तो हम वापस आ गए। तो अभी यार जाने कोई फ़ायदा नहीं है, फंस चुके हैं एक तरह से हम देखा जाए तो। हम चलते हैं चंडीगढ़, बाय यार, गाड़ी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह रहता हूँ आपके सामने, जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ क्लियर, जो मैं कर रहा हूँ आप भी देख ही रहे हो मेरे साथ, ठीक है ना। अगर हाँ आप गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं तो यार क्या कर सकते हैं, मजबूरी या नहीं लेके जा पाएंगे, बर्फ़ पड़ी हुई है ना, दोनों तरफ बर्फ़ पड़ गया, कहीं नहीं हम गाड़ी लेके जा सकते, तो इसीलिए बाय एयर जाना होगा हमें। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और जो नया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है या अच्छी लगती है आगे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण। ठीक है भैया, यहाँ यहीं से हो जाए जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, थोड़ा आ जाएगा बीच में भाई, भैया पहुँचा देंगे चंडीगढ़। मैं नहीं पहुँचा रहा, मैं जो भी, हाँ जो भी कोई और लेके जाएगा, भैया के फ्रेंड आके दे जाएंगे, ठीक है भैया। थैंक यू, चलो आ जाओ, गाड़ी अपने आप चली जाएगी भाई, कुछ दिनों में आएगी, अभी नहीं आएगी, और हम जाएंगे बाय एयर। एक्चुअली दिक्कत क्या हुई है, आगे के और पीछे के दोनों रास्ते हो गए बंद, हम यहाँ पे अगर फंस गए तो फंस गए 1 महीने के लिए। तो हमने कहा या तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दो या फिर फ्लाइट से चलो। तो बस फ्लाइट बुक हो चुकी है, तो निकलते हैं, आगे पीछे सब बंद हो गया।